गुड मॉर्निंग एवरी वन आज हम लोग देखेंगे कि सोक्रेटिक बाय गूगल करके जो ऐप है बहुत ही यूज़फुल है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जिनको uh, किसी क्वेश्चन के आंसर्स अगर इमीडिएटली ढूंढने हैं इमीडिएटली अगर कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स किसी भी क्वेश्चन का चाहिए तो देन दे कैन गो फॉर दिस एंड दे कैन गेट दी आंसर्स इमीडिएटली तो अब आइए देखते हैं हम लोग ये सॉक्रेटिक बाय गूगल जो ऐप है इसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कैसे इनसे हम इजीली आंसर पा सकते हैं तो द स्पेलिंग इज एस ओ सी आर ए टी आई सी बाय गूगल सो यू हैव टू गो इन द प्ले स्टोर एंड यू हैव टू इंस्टॉल दिस ऐप ऐप इंस्टॉल हो रहा है बहुत जल्दी ओपन हो जाता है लेकिन तो जैसे ही आप ओपन हो गया आपने ओपन पे क्लिक किया अब आपको साइन इन करना है इसको तो साइन इन के लिए जो भी आपका ईमेल आईडी रजिस्टर है उसे आपने साइन इन किया और जैसे ही आप साइन इन करते हो तो आपको कुछ परमिशंस यहाँ पे देनी होती है सो लेट्स गो अलाउ कैमरा जैसे ही आपने परमिशन दे दी कैमरा ओपन हो गया अब आप इमीडिएटली आपको जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर चाहिए तो आप उस क्वेश्चन को ये जो ये दो येलो स्क्वायर दिख रहे हैं बीच में आपके क्वेश्चन को आपने इस तरह से क्लिक करना है उसका पिक्चर लेना है फिर ये एरिया आपको प्रॉपरली ड्रैग करके सेलेक्ट करना है अब आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिले आप एरिया प्रॉपरली सेलेक्ट कर दिए जिससे कि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन उसमें कवर हो जाए जैसे ही आपने सेलेक्ट कर दिया पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको गो पे क्लिक करना है आप जैसे ही गो पे क्लिक करते हो इन अ फ्यू सेकेंड्स आपको आंसर मिल जाता है उस आंसर से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाते हैं तो यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट प्लस इससे रिलेटेड आपको मोर फ्रॉम द वेब अगर इस ऑप्शन में जाओगे आपको यह, यहाँ पे दिख रहा है तो ऐसी दूसरी जो जो वेबसाइट है जैसे ब्रेनी डॉट इन है बी सी ओपन टेक्सट बुक है वगैरह वगैरह ऐसी बहुत सारी जितनी भी वेबसाइट है उन सारी वेबसाइट पे इस आंसर से रिलेटेड जो जो अपलोड हुआ है या ये कंप्लीट आंसर जहाँ पे अपलोड हुआ है आपको इस आंसर से रिलेटेड और भी कहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी यहाँ से राइट right? तो हम लोग देखते हैं किसी एक पे जाके कि ये क्वेश्चन का आंसर इस किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश की है हम लोग फर्स्ट वेबसाइट पे ही गए तो ये है क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब किया था क्वेश्चन uh, आंसर्स के फॉर्म में यहाँ पे उस आंसर्स को दिया है स्ट्रेट अवे पर प्रॉपर सोल्यूशन के फॉर्म में नहीं दिया है। अच्छा सोल्यूशन के फॉर्म में भी नीचे यहाँ पर दे दिया है राइट right? तो आपको किस तरह से हमने क्वेश्चन को सिर्फ आपने पिक्चर लेके इस ऐप में अपलोड किया अपलोड भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ी जस्ट क्वेश्चन का हमने पेप क्वेश्चन का हम लोग ने पिक्चर क्लिक किया और तुरंत जैसे ही हमने गो पर क्लिक किया तो हमको इतने सारे सॉल्यूशंस मिल गए राइट right? तो ये फर्स्ट में हमने उसका सोल्यूशन देखा देखते सेकेंड जो वेबसाइट है उसमें इसका इसी क्वेश्चन का किस तरह से आंसर दिया है ओके okay? तो ये है ये इस सेकेंड केस में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पूरी तरह एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है राइट right? इस तरह से आपके क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया है दोस्तों अब हम पीछे गए और अभी हमने साइंस का आंसर देख लिया अब देखते हिस्ट्री से रिलेटेड किस तरह से आंसर हमें मिलता है सेम ऐप के सेम ऐप के थ्रू तो मैं जाऊंगी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक में जाने के बाद मैं किसी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करूंगी से फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट को मैंने क्लिक किया सेलेक्ट करके क्लिक किया एंड देन आई वांट टू हैव आंसर्स ऑफ दिस टू क्वेश्चंस ओके द ना आइल जस्ट क्लिक गो मैं गो पर क्लिक करूँगी और फिर मुझे आंसर मिल गया देखिए क्वेश्चन एनल्स द एनल स्कूल उसको कम्प्लीटली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ठीक है एंड एन स्कूल एनल स्कूल वेरी गुड इस तरह से मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसानी से सॉक्रेटिक बाय गूगल के हेल्प से मिल सकते हैं तो अगर मेरे मोबाइल में ये ऐप है तो मुझे टेक्स्ट बुक में ढूँढने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं मुझे बहुत अर्जेंसी है और मुझे इमीडिएटली आंसर चाहिए या मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो देन तो आई कैन यूज़ इमीडिएटली बहुत हैंडी है ज़्यादा कुछ स्टेप्स भी नहीं है इसमें ईज़ीली आप इसके हेल्प से आंसर ढूंढ सकते हैं राइट और आंसर ही नहीं बट उससे रिलेटेड जैसे साइंस के केस में हमने देखा उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह भी आपको मिलते हैं ये देखो सेकेंड क्वेश्चन था हमारा डायलेटिक्स फर्स्ट डायलेटिक्स था सेकेंड एनल स्कूल था तो डायलेटिक्स का आंसर्स यहाँ पे है आपको दिया है राइट सो दिस इज़ द आंसर सोल्यूशन लिखा है सो दिस इज़ द आंसर ओके ये हो गया हिस्ट्री अब हम देखते हैं कि किसी और सब्जेक्ट को भी हम जरा चेक करते हैं और सबसे टफ़ सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए मैथ्स तो देखते हैं हम लोग एक मैथ्स के सम्स को इसमें अपलोड करके देखते हैं और किस तरह से ये अपना ऐप जो है हमको आंसर देता है चेक करते हैं मैं इसका पिक्चर इसके डायग्राम के साथ लेना चाहूँगी इस तरह से प्रॉपरली ये जो है आपको एरिया दिखना चाहिए भले नहीं भी दिखता है तो ये आपके पास जो ड्रैग का ऑप्शन होता है सेलेक्ट का ऑप्शन होता है इसे आप प्रॉपरली आपके क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकते हो और यस सो येसो क्लिक ऑन गो एंड मैं देखती हूँ वाह वेरी नाइस इमीडिएटली मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आया एंड मैं देखती हूँ फर्स्ट में जाके तो बहुत अच्छी तरह से ये इसका सल्यूशन दिया हुआ है एकदम डिटेल में इस तरह से मैं किसी भी क्वेश्चन का कोई भी सब्जेक्ट हो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ्स हिस्ट्री जोग्राफी इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट हो तो मुझे सॉक्रेटिक बाय गूगल के हेल्प से मुझे आंसर आसानी से मिल सकता है तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच गुड डे